नेक्स्ट, ये सिलेंडर है। अब हम लोग पास एक सिलेंडर है जिसमें गैस है, जिसके ऑब्वियसली प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ, तो गैस की डेंसिटी निकालनी। ये जो क्वेश्चन है उसको मैं इजी कैटेगरी का बोलता हूँ, आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है, और इसको करने के लिए आप बड़े आराम से आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा सकते हो। अब गैस का प्रेशर दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ है भैया, तो डेंसिटी चाहिए, तो प्रेशर इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलिक्यूलर मास, तो स्मॉल एम कैपिटल एम आर टी वॉल्यूम को इधर लेके आए, और वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हो भाई लोग, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आर टी अपॉन डेंसिटी मोलिक्यूलर मास, और दैट इज प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ इसको मैं डेंसिटी चाहिए, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी डेंसिटी चाहिए, तो पी एम अपॉन आर टी बन गया, और पी एम दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ कितना है देखो तो 249 किलो पास्कल है, तो ये 249 किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। व्हाट इज द एम मॉलिक्यूलर मास, तो कौन सी गैस थी, देखो हाइड्रोजन थी, H2 की मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम। हमेशा याद रखना कि ये वाली जो मॉलिक्यूलर मास होती है वो ग्राम में लिखी जाती है, तो यहाँ 10 की पावर -3 केजी लिखेंगे, क्योंकि जो यूनिट है देख रहे हो केजी में दिया हुआ है, तो बेसिकली ये 10 की पावर -3 केजी मल्टीप्लाइड बाई 2, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू ले लो, गैस कांस्टेंट कितना है 8.3, तो 8.3 है 27 प्लस 273, इसमें ऐड कर दो 300 केल्विन आ जाएगा, कांस्टेंट कितना है 8.3 इसमें ऐड कर दो 300 केल्विन आ जाएगा, और बाकी काम कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करने के बाद ये फाइनली 0.2 आ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, कैलकुलेट कर लो इसको 0.2।